केंद्रीय डाक सेवक संघ के पदाधिकारियों की लंबित मांगों को नहीं माने जाने के विरोध में मुख्य डाकघर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर धरना प्रदर्शन में केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे कर्मचारी ने लगाए और लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की। हमीरपुर मुख्य डाकघर के बाहर धरना पर बैठे हुए दर्जनों कर्मचारियों ने मंडलीय प्रधान जगदेव चौधरी की अध्यक्षता में जोरदार प्रदर्शन किया और कामकाज को भी ठप रखा। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग की जा रही है, क्योंकि ढाई सालों से रिपोर्ट लागू नहीं की जा सकी है तो केंद्र सरकार से मांग करने पर भी लेट लतीफी की जा रही है, जिससे डाक सेवकों में गहरा रोष पनपा हुआ है। मंडलीय सचिव होशियार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार लंबे समय से सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है, जिसका खामियाजा डाक सेवकों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मांगों को नहीं मानती है तो हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। हमारी जो मिनेश चंद्र रिपोर्टर केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई थी हमारी पे वगैरह दूर करने के लिए, उस रिपोर्ट को आए हुए ढाई साल हो गए। इसके बारे में हमने पहले पिछले साल में स्ट्राइक की, तब वो फाइल वहां से डिपार्टमेंट से दी। अब दो तीन महीने हफ्ते तो हो गई लेकिन आज तक वो लागू नहीं की गई है, इसलिए हमें हड़ताल पे जाना पड़ा। तक सरकार रिपोर्ट को लागू नहीं करती।